गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं हूँ अंश और अभी मैं हूँ यार उज्बेकिस्तान कंट्री के सबसे हॉलीएस्ट सिटी बुखारा में। लास्ट का वीडियो अगर आपने देखा होगा कि मैं समरकंद से बुखारा आया हूँ और बुखारा आते ही दो दिन मैंने एक दिन आराम किया और दूसरे दिन मैंने हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ सिटी को कवर किया हुआ है। सो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उज्बेकिस्तान के इस बुखारा शहर की लोकल लाइफ, लोकल बाजार, लोकल फूड। सुबह के 8 बज रहे हैं और धूप कितना तेज़ है आप देखिए। और ये है एक्चुअली बाहर हाईवे का नज़ारा और बाहर इस हाईवे पे आपको दिख रहा होगा ये कैफे चोर बाकर तैमूर ओता। प्लेस पे जो आया था आपको दिखाने के लिए वो है यहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर तंदूर लैम्प। 200 किलो से भी ज़्यादा तंदूर लैम्प यहाँ पे बनाया जाता है। लोकल ब्रेड ये लोग बनाते हैं। बुखारा का ब्रेड समरकंद के ब्रेड से टोटली अपोजिट है तो वो भी यहाँ पे कैसे बनता है वो आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो ये है इस कैफ़े का अंदर का कंट्री यार्ड गाइस, काफ़ी खूबसूरत है। और इंटर करते ही सबसे पहले जो मुझे दिखाया है अंगूर, ये सारे काले अंगूर के पेड़ हैं यार। ये मेरे भाई साहब है, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज सिमरोत। सिमरोत, सो सिमरोत अकेले बंदे हैं इस प्लेस पे अभी तक जो कि मुझसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बात कर पा रहे हैं, तो इन्हीं को मैं समझा के यहाँ पे एंट्री पाया हूँ कि मैं एक्चुअली कौन हूँ और क्या करने आया हूँ। अर्ली मॉर्निंग का टाइम अभी 8 बज रहा है और सबसे पहले मैं एंटर किया हूँ इनके अल्ट्रा टेंडर तंदूर वाले एरिया में, जो कि 3 अलग अलग भट्टियाँ हैं आप देखिए। तो ये है वो एरिया गाइज जहाँ पे ये अल्ट्रा टेंडर तंदूर लैम्प जो आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो ये तीनों तंदूर में एक्चुअली इन्होंने नीचे गैस का अरेंजमेंट किया हुआ है बट इसमें लकड़ी डाल रहे हैं ताकि उसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ सके। और ये है लोकल ब्रेड। ये ब्रेड इन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ है। फिलहाल अभी बीच वाली भट्टी में इन्होंने इनका लोकल उज्बेक ब्रेड, जिसको बुखारा में खासकर फातिर ये लोग बोलते हैं, ये जो शेफ साहब हैं इन्होंने ऑलरेडी आई थिंक पकाया हुआ है। ये देखिए सबसे पहला फातिर आज के दिन का हमारा रेडी हो चुका है गाइस। तो कुछ ऐसा है ये ब्रेड। समरकंद के ब्रेड में, बुखारा के ब्रेड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और इसके लिए आपको देखना होगा मेरा जो लेजेंडरी समरकंद ब्रेड का वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा और ये ऊपर आई कार्ड में ज़रूर आप देखिएगा क्या वो प्रोसेस था जिसको मैंने आपको दिखाया। तो ये एक तरह से लच्छा पराठा जैसा मुझे लग रहा है और इसका जो साइज है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार, राउंड राउंड है। इस पर इन्होंने पंचिंग अलग से की हुई है जिसको ये लोग मोहर वगैरह, मैंने आपको बताया था मनपा बोलते हैं, उससे इन्होंने शेप डाला। कितना गोल्डन है, कितना क्रिस्पी है इसका कलर आप देखिए। और तो अभी ये अंकल इस पे लगा रहे हैं बटर जो कि लैम का है, तो घी आप बोलो, जो लोकल उज्बेक बटर है लैम का उसको यूज़ किया जा रहा है इसकी शाइनिंग के लिए, लेयर के लिए, ताकि ये सॉफ्ट रहे थोड़ा सा। ब्रेड काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है। अब जो बारी है ना इस मैरिनेटेड लैम्ब को इस ओवन में पकाने के लिए, तो ये देखिए 4 अलग अलग कंटेनर आ चुके हैं। ये लाल मिर्च इन्होंने पूरा इससे मैरिनेट किया हुआ है। भट्टी ओवन अभी भी हमारी गर्म हो रही है तो उसको एक्चुअली एक आइडल टेम्परेचर में आना काफ़ी ज़रूरी है ताकि ये जो लैम है मैरिनेटेड ये जले नहीं। तो इसका जो कुकिंग करने का तरीका है ना वो टोटली अपोजिट है। ये देखिए ये इनका एक्चुअली ग्रिल है जो कि इस लैम को पकाने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। तो अभी ये देखिए भट्टी, आई थिंक तंदूर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है जिसकी वजह से ये पानी के छिट्टे को उस तंदूर के अंदर डाल रहे हैं ताकि उसका एक बैलेंस आइडल टेम्परेचर हो सके और ये जो मैरिनेटेड लैम्ब है वो हमारा जले नहीं गाइस। सो फाइनली वो बारी आ गई गाइस जिसमें हम मैरिनेटेड लैम्ब को अपने इस गर्म तंदूर में पकाने वाले हैं। तो ये देखिए इन्होंने एक्चुअली ये जालियाँ नीचे डाला हुआ है, ये इतना ज़्यादा गर्म है भट्टियाँ ना कि मैं इसके पास खड़ा हूँ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोचे शेफ कैसे यहाँ पे खड़े होते होंगे, बट इसको ये पकाने का ये एक तरीका है। तो नीचे इन्होंने ग्रिल डाल दिया हुआ है इस भट्टी में आइडल टेम्परेचर होने के बाद, और अब इस ग्रिल पे इस मैरिनेटेड लैम्प को ये डाल रहे हैं ऊपर पकाने के लिए। देखिए आँच को बैलेंस करने के लिए ये पानी का छिट्टा,
कि वो चले नहीं। है ना काफ़ी यूनिक तरीका इसको पकाने का। आई थिंक इस तरह से मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ लाइव कि कैसे इस तरह से इतने हाई क्वांटिटी में इस तरह से मीट को, वो भी लैम्ब को, कैसे ये लोग पकाते हैं। तो सारा यूएसपी है यहाँ पे तंदूर का गाइस। तो ये है जुनिपर, जुनिपर है। ये भाई साहब आप देखिए जो भट्टी है उसको चारों तरफ से अभी कवर करने वाले हैं, तो उसके लिए इन्होंने मिट्टी का लेप बनाया हुआ है जिसको ये अभी कवर कर रहे हैं। तो गाइस इन्होंने इस तंदूर के अंदर सारे मैरिनेटेड लैम्ब को अंदर डाल दिया हुआ है और अब इसको ये कवर करने वाले हैं। ये आप देखिए, तो ये है यूनिक तरीका इसको कवर करने का। तो एक तरह से जैसे हौदा नहीं होता उस तरह से इन्होंने इसको कवर कर दिया हुआ है। अब इसको ये पूरा सील कर देंगे ताकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक सके। पूरे मैरिनेटेड लैम्ब को कुक करने का सबसे मेन यूएसपी है ना, वो है सोक जुनिपर, जो कि इसको पकाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि मेन इन्ग्रीडियंट्स है यार। तो उसको उन्होंने बीच में डाला हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से ये लैम्ब के टुकड़ों को डाला, फिर से ऊपर उन्होंने इस जुनिपर को डाला ताकि उसका जो फ्रेग्रेंस है, जो फ्लेवर है, वो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। बुखारा चारबाकर कैफे, कैफे तैमूर बाबा, तैमूर बाबा द ग्रैंड मास्टर शेफ। तो ये हैं यार अपने ग्रैंड मास्टर। आपको लेके चलता हूँ इनके रेस्टोरेंट एरिया में जो कि हैं ये। तो ये सारे स्टाफ हैं यहाँ के। योर नेम, फत नामा, अंश, सायोरा, सायोरा, और ब्रदर योर नामा बेगजोत, बेगजोत, एंड तायरोल भाई हमारे हैं जो कि यू नो हिंदुस्तान सॉन्ग, बॉलीवुड सिनेमा, यू नो ठीक, दैट्स द नेम की मजा में रहे, व्हिच वन, टेल मी एनी सॉन्ग नेम, हां दोनों से दैट्स द नेम, जिमी जिमी, अच्छा अच्छा। अभी फिलहाल मैं इनके रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ, तो क्योंकि जो हमारा तंदूर है और ये लैम्ब, उसको पकने में लगभग 3 घंटे आई थिंक अभी लगने वाले हैं। और वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आता है, खासकर अगर आप मीट के दीवाने हैं। और इनका जो ये तंदूर लैम्ब है उसको तो टेस्ट करना बनता है अगर आप नॉनवेज खाते हैं। मैं तो नहीं खा सकता हूँ, मुझसे हर कोई ये पूछता है यार कि जब आप खाते नहीं हो तो आप इन सब प्लेसेस पे आ कैसे खाते हो। ये शायद आप में से भी कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं। तो ट्रैवल है यार, ट्रैवल एक जरिया होता है आप तक लोकल क्विजीन को दिखाने का। फिलहाल मैं टेस्ट नहीं कर पाता हूँ, वो मेरी शायद कमज़ोरी है या मेरा बैड लक। फिलहाल मैं अभी आपको इस प्लेस का नज़ारा दिखाता हूँ। ये भाई साहब हैं, तो ये लोग भी थोड़ा बहुत बॉलीवुड के दीवाने हैं, तो उनसे जानने की, बात करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो यार गाइस अभी इस तंदूरी लैम्ब को पकने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। आई थिंक 3 से 4 घंटे इसको लगेंगे अच्छे तरीके से पकने में। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इतना टाइम मेरे पास जो बचा हुआ है इसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैं वापस से आई थिंक मुझे सिटी जाना होगा यार, जहाँ पे आई थिंक एक सबसे बड़ा बाज़ार है इस पूरे बुखारा शहर का, टिपिकल लोकल बाज़ार। तो देखते हैं उसको पहले एक्सपीरियंस करते हैं और वहाँ की क्या लाइफ स्टाइल। तो यार ये कोई गाड़ी रुकी है यार, माशाल्लाह। शुक्राना, योर नेम, योर नेम यार। तब ये लोग हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बॉम्बे, नाम से नो अंश, अंश, अंश नामा, अंश फ्रॉम बॉम्बे, द
दिल्ली हिंदुस्तान। तो यार ये भाई साहब आई थिंक इनकी लोकल दमास है। मैंने इनको पूछा कि कहाँ जा रहा, अब ये पता नहीं मुझे कहाँ लेके जाने वाले हैं, बट मुझे एक्चुअली जाना है ना जो इस बुखारा का मेन रेगिस्तान स्क्वायर है, सिटी सेंटर, वहाँ पे। तो वहीं पे कहीं भी ये मुझे छोड़े, अब पता नहीं ये कहाँ मुझे छोड़ेंगे, मैं सही गाड़ी में बैठा हूँ या गलत गाड़ी में बैठा हूँ, बट बैठ गया हूँ। धूप इतनी तेज लग रही, बाहर खड़े होने से अच्छा है कि गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। तो जो पीछे ये दो मोहतरमा लोग हैं ना, इन लोगों ने बोला कि आप बैठ जाओ, हम देखते हैं फिर आपको जहाँ जाना होगा कोशिश करेंगे आपको वहाँ तक पहुँचा दें। यू नो बॉलीवुड सिनेमा। अरे यार दिक्कत है भाई, समझाने जिमी जिमी आजा आजा शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान। मी आई वॉन्ट टू गो टू कालकोन बाजार, प्लीज यू। ओके शुक्राना शुक्राना है। तो देखते हैं यार ये लोग कहाँ पे लेके जाएंगे। तो यार अभी पता चल रहा है कि ये वहाँ तक नहीं जाने वाले हैं, तो ये इनका यहाँ का कोई बस स्टैंड है। तो यार ये थी बस, अब आई थिंक अब ये किसी बस स्टैंड पे मुझे उतार दिए हैं और अब मुझे ये वाली बस लेनी होगी यार। आई थिंक ये सही वो उसी बाज़ार में जाएगी कि नहीं जाएगी, मैं इनसे पूछता हूँ मामा से। ये यहाँ की एक्चुअली पब्लिक बसेस हैं, तो मैंने इसको तो अभी तक ट्राई नहीं किया होता। तो फाइनली आई थिंक बुखारा की और पूरे उज्बेकिस्तान कंट्री की मेरी पहली बस होगी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। कोलखोज बाज़ार। ओके शुक्राना। तो यार ये थी अपनी बस 76 नंबर की जो कि मारकरी बाजार के लिए जाती है। तो यहाँ पे ना जो बस इनका है ना लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है यार, वैसे कुछ हमारे इंडिया जैसा ही है, बट एक चीज़ यूनिक इसमें ये थी ना कि जो भी बच्चे वगैरह हैं अगर कोई बुजुर्ग आता है ना तो उसके लिए वो लोग सीट छोड़ देते हैं ऑटोमेटिक यार। आई थिंक वैसे हमारे इंडिया में भी है बट थोड़ा सा हमारे यहाँ कम है। और 2000 सोम इसके लिए आई थिंक उन्होंने लिया, 1800 सोम सिर्फ, टैक्सी वाले ने तो 5000 चार्ज कर लिया था। बाकी ये सबसे बड़ा टैक्सी स्टैंड बस रैंक इसको आप बोलो, यहाँ से इस पूरे बुखारा शहर से अगर आपको कहीं भी आना जाना है ना तो आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। तो यहीं पे एक्चुअली वो बाज़ार है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो देखते हैं वो है कहाँ। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर,